बाप रे 8 बज गए, जल्दी कर कविता वरना आज बहुत लेट हो जाएगा। अरे कविता बेटा सुनो ना, मम्मी मुझे बहुत लेट हो रहा है, आपको पता है ना आज का दिन मेरे लिए कितना बड़ा है, मेरा पहला एड शूट और मैं किसी भी कीमत पर वहाँ लेट नहीं पहुँचना चाहती। मुझे वहाँ पर 9 बजे तक पहुँचना है और ऑलरेडी इतना लेट हो गया, पता नहीं रास्ते में कितना ट्रैफिक मिलेगा। चलो मम्मी मैं निकल। कविता सुनो ना बेटा, प्लीज आज का शूट कल के लिए पोस्टपोन नहीं करवा सकती। पोस्टपोन क्यों बेटा? आज 29 फरवरी है, आज का दिन अच्छा नहीं है, ये दिन 4 सालों में एक बार आता है, इसलिए मेरा मानना है कि आज के दिन कोई भी शुभ काम की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। मम्मी आप भी ना, ये कैसी बातें कर रही हो? आज का दिन मेरे लिए बुरा कैसे हो सकता है? आज मेरा सबसे बड़ा सपना सच होने वाला है, मेरा पहला एड शूट, मैं ना स्टार बन जाऊंगी आप देखना। माया मासी अच्छा हुआ आप आ गई, देखिए मम्मी क्या बोल रही है। दीदी तुम भी क्या 29 फरवरी का वहम लेकर बैठी हो? कुछ नहीं होता, ले तू दही शक्कर खा, सब ठीक होगा। ठीक है मुझे बहुत लेट हो गया, अब मैं जाती हूँ। ओके और हाँ छुटकी कहाँ है? वो अब तक सो रही है। अच्छा ठीक है उसे सोने दो, जब वो उठेगी उसे पॉपुलर स्टूडियो भेज देना, याद से उसे मुझसे भी ज्यादा क्रेज है शूटिंग का। बाय बेटा, संभल के जाना और जल्दी आना। सुमन जी अब हम ये करेंगे सीन नंबर 13। ओके इसमें आपका वही लुक रहेगा, सटल और थोड़ी सी एनर्जी रखिएगा। ये शूट शुरू हो गया वो भी मेरे बिना? ये जान पहचान का भी नहीं दिख रहा है। ओके चलो रेडी करें। यस रेडी, चलो आनंद जी रेडी, चलो टेक करते हैं। अब सुनिए ये शूट इतनी जल्दी शुरू हो गई आज? मैम शूटिंग तो 8 बजे शुरू हो गई है। 8 बजे? 8 बजे कैसे हो सकती है? रोल साउंड। मेरे बिना मुझे तो 9 बजे बोला गया था ना आने को। कट कट कट। पहले बोल। ओ हेलो क्या हो रहा है ये? तुझे पता है ना शॉट चालू है? और ये मैडम कौन है? सर ये मैडम। तुम्हें अंदर आने किसने दिया? सर मुझे यहाँ पर 9 बजे आने को कहा गया था, अगर मुझे पता होता कि शूट जल्दी शुरू होगा तो मैं जल्दी आ जाती। तुम हो कौन? है मैं कविता, मुझे इस एड के लिए मेन मॉडल सेलेक्ट किया है। तुम्हें? जी नहीं, तुम्हारी गलत फहमी है, हमारी मॉडल कोई और है। गलत फहमी? नहीं आज 29 फेब है और ये पॉपुलर स्टूडियो का फ्लोर नंबर 2 है, मुझे यहीं पर बुलाया गया था। आप कौन है? मैं इस एड फिल्म का डायरेक्टर हूँ और कुछ नहीं। नहीं मैं कल किसी और डायरेक्टर से मिली थी जिन्होंने मुझे कास्ट किया था। सर आप इस स्ट्रगलर के साथ अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? ये लड़की यहाँ पर सिर्फ आपका अटेंशन लेने के लिए फालतू का हंगामा कर रही है। ए लड़की अपनी शक्ल देखी आईने में, जो मॉडल बनने के लिए आ गई हो, एक काम क्यों नहीं करती, किसी और फील्ड में ट्राई करो। आप मेरी बात सुनिए, आप लोग समझ नहीं रहे। आई सेड गो। आपको सिक्योरिटी? मुझे बुलाया? सिक्योरिटी मुझे सेलेक्ट किया है। ले जाओ इसे यहाँ से। नहीं आप प्लीज मेरी बात तो सुन। लेके जाओ इनको प्लीज। गो। मैं आपको बताती हूँ मुझे इसी एड के लिए बुलाया गया था। आज ले जाओ इसे। अभी यही टाइम दिया था। फालतू का टाइम वेस्ट कर रहे हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। कहाँ से आ जाते हैं? सारा मूड खराब कर दिया। क्या हुआ सुमन जी? ये शोर कैसा है? कुछ नहीं, एक स्ट्रगलर लड़की ने आके शूट बीच में डिस्टर्ब कर दिया। पता नहीं हर एरे गेरे को क्यों ऐसे लगता है कि वो भी मॉडल बन सकता है। आ जाते हैं मुंह उठा के। कौन है वो? मुझे वो ये कैसे हो सकता है? ये व्हाट ये? हाँ सुमन जी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप कुछ ही बोल देना, मेरा पैकअप बोल देना। व्हाट?
तुम शूट नहीं करोगे नेहा? ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता नेहा। गॉड, इसे शूट नहीं करना है, यहाँ पर डिस्टर्बेंस, आई डोंट नो व्हाट टू डू, वेस्ट ऑफ टाइम, सबका टाइम वेस्ट कर दिया, एक लड़की की वजह से शूटिंग कैंसिल होगी, अब दोबारा कल भी आना पड़ेगा। ये लाइट्स को भी अभी ही फ्लिकर होना था। अरे कोई है दादा? दादा ये लाइट को क्या हुआ, देखो जरा, कोई है दादा? कोई सुनता भी नहीं है, कितनी बार चिल्लाना पड़ेगा दादा? दादा भी तो नहीं है। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो।